अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ बाबा जी। तो आज हम आपको फिर से सुनाएंगे सस्ती शायरी। अर्ज किया है के बॉट्स बढ़ाते हैं अब केड़ी, उनकी करो कदर। वाह 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 वाह, क्या लेजेंडरी वर्ड्स हैं हमारे वो जून एलिया सर भी शर्मा जाएंगे हमारी शायरी सुन के। बॉट्स बढ़ाते हैं केड़ी, उनकी करो कदर, जिनका आता है प्लेन पे नाम, वो खुद को समझते हैं सदर। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। ऐसे कैसे यही बात है ना, ऐसे ही होता है ना, देख लो बस। फिर हमारी सस्ती शायरी आपको ना कुछ कुछ इस दुनिया की सच्चाई दिखाती है हमारी। देखो हाँ, याद है लाइक हमने पढ़ा था कि इलामा इकबाल की शायरी ने सोई हुई कौम को जगाया था। लाइक उस टाइम जब पाकिस्तान बनने लगा था, तो हमने ये पढ़ा था ना कि इलामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए सोई हुई कौम को जगाया था। हम भी कुछ ऐसा करते हैं, हम सोई हुई एनोनिमस की पब्लिक को जगाते हैं। नहीं, या उनके अंदर की हंसी को जगाते हैं। हाँ कुछ तो वाह जी, हमने की गुजरात सिटी में लूट, और उसके बाद यहाँ पे भैया रियल थे, ये छोटे छोटे घर लूट के जा रहे थे। फिर हमने टैप 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 मार के इनका पिछवाड़ा किया डिंगा, और अब इनके टीममेट्स इनको बचाने के लिए आएंगे। बाकी मुझे गाइस ज़रूर बताना कि आपका रोज़ा कैसे गुजरा, और उम्मीद करता हूँ आपके रोज़े इंशाल्लाह पूरे जाएँ और आपको रोज़ा ना लगे, ये मेरी दुआ है। तो बाबा जी, इसको हमने नॉक कर दिया था, और अभी तक मैंने नहीं बोला कि ठोको लाइक बटन। तो सबके सब गाइस ठोक दो लाइक बटन, बस ये 40,000 से लाइक ज़्यादा कर देना, इससे ऊपर जितने भी चले जाएँ वो आप लोग का प्यार है। बट हाँ, 40,000 हमारा गोल है, उससे ज़्यादा होने चाहिए पब्लिक, ठोक देना। अब हमने फैसला किया भाई जाते हैं, लेकिन हमारी बुरी बात क्या थी गाइस, यहाँ पे हमने बता दी थी अपनी पोजीशन के बंदे हैं, उसके टीममेट्स को पता चल गया होगा। फिर भाई उन्होंने दे दिया गंदे वाला स्प्रे, और यहाँ पे जूबी भैया नॉक हो गए, और फिर जूबी भैया नॉक हुए तो हमारी ज़िंदगी खतरे में आ गई। अब वो बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ से मार रहे थे। अब मुझे था मैं अपने टीममेट को बचाऊं और कवर में जाऊं, तो इतनी देर में जो ड्यू है ना ये भी हो जाएंगी नॉक। स्मोक बंदा लेट के स्मोक कर लेता, बट अक्ल की कमी हो गई है नॉक। लॉल, महंगा पड़ सकता है मेरे को बोलना, बट चलो कोई बात नहीं। और फिर मैं दो स्मोक किए थे राइट में बचाने के लिए, बट नंबर 3 हो गई फिनिश। और जूबी को मैं बचा लूँगा, क्योंकि जूबी के बाद दो स्मोक करके मैंने उसका व्यू ब्लॉक कर दिया था एनिमी का, और अब वो ऊपर से कर रहे थे रश। तो फिर हमने अपनी ऊजी से किया उनको नॉक बाबा, जब हम जूबी भैया को करेंगे रिवाइव, और ऊजी से वो नॉक पड़े ऊपर, तो अब उनका दूसरा टीममेट भी रश करेगा। अभी जूबी भैया रिवाइव हो गए, तो वो ऊपर से कर रहे थे रश जो इनके दूसरी टीम में थे। एक NSC रैंडम मॉली फेंक दी, और फिर हम दोबारा से इनको फिनिश करने जाएंगे। भैया अचानक से सामने आए, मेरी पैंट ढीली हो गई, फिर हमने प्रोन होकर थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप किया, और फिर हमने दोबारा अपने ऊजी से B52 महाराज को किया यहाँ पे फिनिश। और गाइज मेरा आई थिंक 3 स्टार चल रहा है, या पता नहीं 2 स्टार ही चल रहा है, पता नहीं, बट हाँ इससे ऊपर का लॉबी था ये। और यहाँ पे आके ना गाइज मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड थे इस लॉबी के, ये लाइक ये बेस्ट स्क्वाड था इस लॉबी का, जिसने खुद देखो 4 बंदों ने एक साथ स्प्रे दिया, और गाड़ी की हेल्थ कितनी जल्दी चली गई, और मेरी और जूबी की HP भी बहुत ज़्यादा लो कर दी, और फ़ौरन से ये लोग रश कर रहे थे। लेकिन जब हमारे हाथ में हो हमारी दूसरी तीसरी गर्लफ्रेंड, तो हम कैसे रश करने दे सकते हैं। गाड़ी में मारा हेडशॉट लेवल 3, उसका हेलमेट गया, और अब वो डायरेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि उनको हेडशॉट पड़ चुका है, वो सामने रिज पे रुक गए, और हमें मौका मिल गया हील करने का। तो हमने मारा फ़ौरन से फर्स्ट एड, और फ़ौरन से मारेंगे बूस्टर, तो हमारी हालत एकदम हो जाएगी ज़्यादा। और ये गाइस इतनी छोटी पीक लेके, मतलब टैप टैप शॉट दे रहे थे ना, पीक नहीं लेने दे रहे थे, इन्होंने जीना हराम कर दिया था हमारा। बट बाबा जी ऐसे कैसे पिंडी बॉय बोलते, हम भी बड़ी मतलब मैं बहुत क्विक शॉट मारने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इनको पीक दूँ। और इनके पास ऑम वगैरह थी, M24 थी भाई, K98 थी, MK14 भी थी इनके पास, तो मैं नहीं चाहता था कि ये देखो गाइस कितना गंदा मार रहे थे, ज़रा सी पीक देने पे भी ये शॉट दे रहे थे आपको। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक बंदा गाड़ी लेके जाएगा, और बाकी सोलो अलग अलग रश करते हैं, मतलब ये अलग अलग रश करने की ट्राई करते हैं हम पे हर एंगल से। तो हमारी ज़िंदगी एकदम खतरे में आ गई थी बाबा जी, बहुत ही ज़्यादा। एक बंदा गाड़ी लेके गुजर जाएगा, और बाकी कर देंगे रश। अब आप देखो क्या हुआ यहाँ पे,
खब्बे की साइड से। वॉच आउट, तो बाबा जी हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। अब आप बताओ मज़ा आया या नहीं आया ये स्क्वाड वाइब देख के। ठोक देना गाइस लाइक बटन अगर अभी तक नहीं ठोका, और बाकी अपने यार फ्रेंड से, अपने कज़न से, अपने दोस्तों से जो है ना वो सब्सक्राइब करवाया करो। हमारी एनोनिमस की आर्मी जो है वो जल्दी से 600,000 तक पहुँच जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी इज़्ज़त दी अल्लाह पाक ने, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं और इंशाल्लाह इसी साल हम लोग 1 मिलियन भी अपने कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे मैंने इन सब की लूट, 7 किल हमारे हो चुके थे। बहुत ही अच्छा स्क्वाड था ये, बहुत ज़्यादा अच्छा स्क्वाड था ये। और फिर मैं आ जाता हूँ स्क्वाड हाउस, एनोनिमस हाउस में। एक गाड़ी अपनी सेव कर ली थी मैंने, क्योंकि बहुत छोटा सर्कल था, बहुत ज़्यादा लाइफ थे। ए मेरे को एडिट करके सोना है गाइस, नींद आ रही है। तो उसके बाद मैंने गाड़ी लगा दी एक सीढ़ियों में और एक रख ली सेफ। अभी बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था, कान के नीचे लगाया इनका पिछवाड़ा, डिंगा किया हमने। और हर कंपाउंड में तकरीबन बंदे आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं सोलो होता हूँ। मुझे अपना गैस, ये बंदा पीछे से भाग के आ रहा था, साउंड आता मुझे, लेकिन ना हम लाइक शॉक में थे कि मार्क कोई आया नहीं मैप में, और ये बंदा नॉक कैसे हो गया। लाइक भागने का साउंड तो आया बंदे का, करीब आने का, लेकिन ये नॉक कैसे हुआ। फिर जब मैं एडिट कर रहा था मैंने देखा कि इसको दूर से किसी ने हेडशॉट मारा था, ये नॉक हो गया था बेचारा। लाइक साउंड नहीं आता मैक में, मैप में मार्क नहीं आता, और हम हैरान हो जाते हैं ये नॉक कैसे हुआ। फिर मैं जब एडिट करते हुए देखा कि किल फील्ड में जो है वो, किल फील्ड में जो ये बंदा नॉक हुआ था। गैस यहाँ पे फाइट हो रही होती है, यहाँ पर देखना कि हमारा किल चुराने का लेवल देखना ज़रा। लेवल 999 का किल चुराएंगे हम। लड़ो लड़ो भाई लड़ो मज़े से। ये लगा बॉडी शॉट, बाबा जी किल चुरा लिया। लाइक किल किया बट किस एंगल से किल निकाला वो गैस देखो, बड़ा मज़ा आया था मेरे को। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ इस वाली टीम से फाइट लेने। पाकिस्तानी टीम थी, ये मुझे स्नाइपर से मार रहे थे। फिर मैं यहाँ पे भैया को किया अपने नॉक। अब हर साइड से मैं फाइट ले रहा था, जो कि मैं बड़ा गलत कर रहा था, सबको मेरी पोजीशन पता थी गाइस। और फिर मैं चढ़ जाता हूँ स्क्वाड हाउस के ऊपर, एनोनिमस हाउस की छत पे, और यहाँ पे पाकिस्तानी स्क्वाड आया था, इनके किल उठाने की ट्राई करता हूँ मैं। ये किल ले लिया मैंने, और ये मैं यहाँ पे 2 किल उठाने में कामयाब हो जाता हूँ गाइस इनके। और इसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। एक स्मोक किया मैंने, और फिर मैं जाके ना एमओ उठाऊंगा, क्योंकि मेरे 6 एमओ बची थी सिर्फ M24 में। ओ भाई ये बंदा किसी ने मार गया टीम के। गाइस मैं बता रहा हूँ आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, बता रहा हूँ मैं। पाकिस्तान ने मारा। अच्छा नहीं यकीन आपको, देख लेना भाई फिर। अब यकीन कर लो तो अच्छा है, लेकिन नहीं यकीन तो आप हंसोगे और बहुत हंसोगे। और फिर हम चले जाते हैं एनोनिमस हाउस की छत पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम दोबारा से स्नाइपर से फायर लेने की ट्राई करेंगे। सर्कल बहुत छोटा था, हम लोग जोन में भी नहीं थे, और वहाँ पे बंदे जोन में भाग रहे थे, तो मैं ट्राई कर रहा था इनको नॉक करूँ। अब आप गाइस देखना 2 बॉडी शॉट लगे, ठीक है, ये एक लगा नहीं नॉक, चलो ठीक है, दूसरा भी, अरे ये दूसरा था ओके, ये लो। लेकिन उस बंदे को 2 बॉडी शॉट मारते हुए यहाँ हमारे साथ ऐसा प्रैंक हुआ ना, 3 स्टार था गाइस मेरा, ये देख सकते हो आप, एस 3 स्टार था, और मेरा सर्वर रैंक भी 5000 के अंदर अंदर जा रहा था। और ऐसे गिर के मरे, क्या बुरा लगा था ना, क्या मतलब नहीं मतलब क्या स्प्रे आया एकदम से, हेल्थ कम हो गई, और मैं अपने आप को बचाने के लिए नीचे जम के, और यहाँ हमारा कबाड़ा हो गया। तो बस अभी भी ठोक दो लाइक बटन जो भी आपने करना है लॉल। और फिर हम गाइस 4-man squad खेल रहे थे, फिर हम खेल रहे थे 4-man squad। ये पाकिस्तानी लॉबी आती है, बहुत टॉप की लॉबी आती है गाइस, कॉन्क्रीट प्लेस भरे पड़े होते हैं इसमें लॉबी में। तो फिर मैं हम लोग ना हॉट ड्रॉप करने का फैसला करते हैं कि नोवो में हॉट ड्रॉप करेंगे, बट यहाँ ज़्यादा कुछ बंदे आएंगे नहीं बाबा जी, बट हम लोग यहाँ पे सर्वाइव करने में, जितने भी बंदे आते हैं हम लोग सर्वाइव करने में इजीली कामयाब हो जाएंगे। उतरा था मैं अपनी जगह पे जहाँ पे हम लोग लैंड करते हैं गाइस, और ये वाले कंटेनर्स लूट कर रहा था, तो यहाँ पे साइलेंट हमारे भैया के पिछवाड़े में गोलियाँ पड़ी थी, इनका पिछवाड़ा डिंगा हो गया था। फिर हमने दिया इनको रैफ, और जो बंदा जिसने साइलेंट को नॉक किया था ना, वो एकदम क्लोज आ रहा था, साउंड आ रहा था ऊपर से कि कंटेनर के ऊपर जंप कर रहा है। फिर हमने फैसला किया भाई अब एंगल लेता हूँ, मेरे पास UMP थी, जम करके देखा वो बंदा पीछे भाग रहा था, मैं ऊपर जाके यहाँ साइड से लूँगा इस पर एंगल बाबा जी। और फिर हमने किया नॉक एंड फिनिश अपने भैया को, और फिर साइड पे जाके मज़े से करेंगे बाबा जी लूट। और ये RTV फुल भैया जो मार रहे थे बंदे,
इनसे भी हमारी फाइट होगी जिनका प्लेन था। फिर बाबू जी हमारे अपनी लिंकाली हमने मेहरान गड्डी और सामने चली थी फ्लेयर। ये काफ़ी देर मैंने काफ़ी कट कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता आप बोर हो जाओ, एक्शन दिखाना है बस। तो उससे पहले हमने फाइट ली थी यहाँ पे स्क्वाड्स में और वहाँ पे हम नेट वगैरह कर रहे थे एक दूसरे को, थोड़ा बहुत शुगर लगा रहे थे। और फिर हम आए थे एनोनिमस हाउस में जहाँ पे चली होती है फ्लेयर बाबा जी, और सीधी डायरेक्ट घुसा देंगे गाड़ी अंदर अपने एनोनिमस हाउस में और ऊपर कर देंगे रश। तो हमने अपने भैया को किया नॉक, इनको करेंगे फिनिश। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ गया था और इनका आखिरी बंदा बचा था जिसको वहाँ पे सैलेंट ने मार दिया। तो यहाँ पे भी मैंने मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी शॉट में आपको दिखा सकूँ। फिर फ्लेयर आती है गाइस, हम लोग फ्लेयर लूटेंगे और इन सब की क्रेट लूटेंगे क्योंकि मेरे पास दो गेम प्ले थे दिखाने के लिए और मैं चाह रहा था कि आपको एक वीडियो में दो गेम प्ले के मज़े आ जाएँ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ना लाइक अपनी जितनी रोज़ की वीडियो की लेंथ होती है उसी में दो गेम प्ले और अपना जो अपना TDM होता है वो सब एडिट करके डाल दूँ। तो उसके बाद हम इनकी करेंगे गाइस लूट मज़े से, फर्स्ट उठा लिया। और जब एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग मिलता है ना उसकी तो क्या ही खुशी होती है, दिल खुश हो जाता है बाबा जी। और फिर हम मज़े से यहाँ पे लूट वगैरह करने के बाद अपनी मेहरान गड्डी में बैठ के लाइक पता नहीं शायद US लेके जाते हैं या मेहरान गड्डी, बूस्टर वगैरह मार लिया करो गाइस। बूस्टर मतलब आप बंदे मारो ना मारो, बॉट मारो ना मारो, बट बूस्टर लाजमी मारो। सर्कल काफ़ी दूर बना था और फिर हम यहाँ आ जाते हैं। अब ये बंदा प्रोन था, इसको स्पॉट किया मैंने गाइस, और ये रिच के पीछे ग्लिच हो रहा था। और ये रिच का ग्लिच जो है ना ये भाई बड़ा बुरा, इतना दुख होता ना कि आप मार रहे हो तो लग नहीं रही होती, आपको भी दुख होता होगा अगर होता ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर हमने 2-3 शॉट ट्राई किए, जब कुछ नहीं हुआ फिर मैंने फैसला किया अपने टीममेट से किल चुराना है। उठाई अपनी छिपकली बगी, जिसका नाम हमने छिपकली रखा है, और फिर छिपकली में बैठ के हम लोग कर देंगे क्लोज इन। मुझे लगा ये एक ही बंदा है बट ये पूरा स्क्वाड होगा और ये हमारे पाकिस्तानी भाई लोग थे। तो मैं आ जाता हूँ क्लोज एकदम, M4 मेरे पास थी और क्लोज इन के लिए M4 ज़्यादा अच्छी नहीं होती, 7K MO वाली गन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है क्लोज रेंज के लिए। तो मैं M4 लेके आगे जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा डर भी था कि अपना कबाड़ा ना हो जाए, एक रैंडम नेट फेंकेंगे हम और वो लोग भी नेट कर रहे थे मुझ पर। ये भी वही लॉबी है गाइस, उसी सर्वर में लाइक एस से ऊपर रैंक है, 2-star या 3-star चल रहा होगा, मरते रहते ना तो नीचे ऊपर होता रहता है। और फिर मैंने बूस्टर मार लिया क्योंकि मुझे नेट का पड़ा था डैमेज, लेकिन वो लोगों ने गलती क्या की गाइस वो रिच के नीचे चले गए। और आप हाइट कभी मत छोड़ा करो अगर फाइट हो रही है, अब ये हाइट पे नहीं थे, मैं हाइट पे था। अब ये सांप स्पॉट किया, इसको नॉक किया, ऊपर दरख्त के नीचे गैस बंदा नजर आया था, जिस क्लोज में एक बंदा था, 100 RP वाला सूट था इसके पास भी। दोनों को गैस मैंने नॉक किया, एक ही क्लैन था ये, पत्थर जो पेड़ के पीछे बंदा था ना वो मुझे पता था वहाँ पर है। मेरे 2 teammates आ रहे थे किल चुराने के लिए बट हम किल चुराने नहीं देंगे, भाग के जा रहे थे पेड़ वाले के पीछे और भाई को स्पॉट करके हम भी किया फिनिश। तीनों को किल मुझे मिल जाते हैं गाइस, और फिर मतलब बड़ी खुशी होती है जब टीममेट्स के आगे से किल ले जाओ। फिर यहाँ पे ये बंदा नजर आया, इसको मैंने मारा बट इसका किल भी मुझे नहीं मिलता। और स्क्वाड में जो किल चोरी होते ना आपके, इतना दुख होता है ना इसे दिल में लगता है ना जाके, किल चोरी का दर्द आप क्या समझोगे पबजी ना खेलने वालों, किल चोरी का दर्द बहुत 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 जालिम दर्द होता ही है। अब ये वाला गाइस बंदा, इस पर मैंने हेडशॉट ट्राई किया बट दूर था ना तो बुलेट ड्रॉप हुई और उसको बॉडी शॉट लगा और वो भाग के रिच के नीचे चला जाएगा। तो फिर हम कर देते हैं क्लोज इन और ऊपर ये बंदे का साउंड ऊपर से आता है तो मैं एक नेट ऊपर करता हूँ इस साइड से और दूसरा नेट जाए करूँगा और दूसरी साइड से जाम भी फट जाए। बढ़िया बंदा नेट को देख के नीचे जम करता है और नीचे जम करेगा तो उसका किल मेरे टीममेट को मिल जाएगा और हमारा किल हाथ से फिर चला जाएगा। और गंदी शॉट्स पड़ी गाइस घर से। अब ये घरों पे ना अनोनिमस की पब्लिक है, हमारी अपनी पब्लिक घरों पे थी जब ये शॉट्स वगैरह लेते थे, तो इन्होंने ब्लैक किल फील्ड में नाम देखा होगा या कुछ तो ये फायर नहीं लेते फिर। और आप देखना मैं यहाँ पर ना लाइक ट्राई करता था अच्छी सी टिकटॉक बने और वो बनी नहीं थी लाइक इतनी अच्छी, बट हाँ मज़े का क्लिप था, मैं बताऊँगा। आप यहाँ पे नॉक हुआ था साइलेंट, तो साइलेंट को रिवाइव देंगे। वहाँ पे जूबी भी जो है वो फंस चुका था, उसको दूर से एक बंदा मार रहा था, जूबी एकदम ओपन में था। तो साइलेंट को तो मैं रैप दे दूंगा बट जूबी को कवर देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जहाँ से जूबी को पड़ रही थी ना गाइस वो बंदा मेरे बिल्कुल सामने नहीं था। अगर मुझे स्पॉट होता तो मैं ऑम से उसको मार देता। ये एकदम ओपन में है, लाइक किल चोरी के चक्कर में आपके टीममेट्स दूर दूर चले जाते हैं और फिर नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं जो कि बहुत ही गलत बात है बाबा जी। फिर हमने यहाँ पे ना ओम से आगे जाने के ट्राई की कि उसका बदला लिया, जूबी ने ना मरने से पहले मार्क कर दिया था कि उस पेड़ के पीछे बंदा है। स्मोक में आया, रैंडम स्प्रे दिया बट इसका किल भी हमें नहीं मिला। इतना दुख होता है ना जब आपको किल नहीं मिलता, बहुत गुस्सा आता है गाइस, बहुत गुस्सा आता है जब किल नहीं मिलता, बट कोई बात नहीं बाबा जी। अब गाइस 3 हम थे, 3 बंदे थे आई गेस मीटअप वाले, यही नहीं ये लोग 4 थे जो हमारी एनोनिमस की पब्लिक थी। गाइस शुरू में मीटअप नहीं किया करो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि गेम प्ले बनाना होता है फिर टाइम जो है ना वो थोड़ा सा कम रह जाता है और फिर किल नहीं हो पाते और गेम प्ले नहीं बन पाता। तो फिर हमने अपने भाई लोगों से बात वगैरह की और उसके बाद हमने बोला कि भैया TikTok बनाते हैं,
ओ इतनी देर में गाइस ये मैं बात ही कर रहा था, ये बंदा शॉट लेने लगता तो मैं ओम से किल ले लेता हूँ। सारे के सारे बंदे कितने 4-3-7 बंदे इसको मारने के लिए चले जाते हैं लॉल। अब हम इनको बोलता हूँ कि आप ना एक काम करो, हम लोग एक फ़नी टिकटॉक बनाते हैं कि मैं बंदे स्पॉट करने के लिए जाऊँगा और सब आप जाके ना वो दरख्त के पीछे लेट जाओ, और दरख्त के पीछे लेटने के बाद जब मैं जाऊँगा आप लोगों को मारने के लिए तो आप मुझे नॉक कर देना। तो ये फ़नी वीडियो बनेगी एक, तो फिर मैं इनको भेज दिया और फिर मैं जाता हूँ बंदे लाइक स्नेक स्पॉट करने के लिए फ़नी वीडियो बनाने के लिए। लॉल और ये थंबनेल भी बन सकता है गाइस, मैं ये थंबनेल बनाऊंगा, मजे का है। तो फिर ये भाई लोग नॉक कर देते हैं, ये फ़नी वीडियो बन जाती है और फिर मुझे रिवाइव दे दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है जब मेरा रैंक था और ये लोग रैंक पुश कर रहे थे, इन्होंने हमें बताया कि हम लोग रैंक पुश कर रहे हैं, तो हम लोग के वैसे ही अच्छी किल थे और पॉइंट्स तो मतलब क्या मिलते रहते हैं पॉइंट्स के लिए क्या गाइस। तो फिर हमने फैसला किया कि हम सब मर जाएंगे और चिकन दे देंगे अपनी पब्लिक को हमेशा की तरह। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपनी पब्लिक को चिकन देता हूँ ना, दिल खुश होता है कि हाँ हमने लाइक सामने वाले को खुशी दी, वो उसकी जो चिकन की जो खुशी होती है ना वो गाइस अलग ही होती है। फिर मैं जोन के बाहर जाके डैमेज लेके मर जाऊँगा, मेरा टीममेट भी जो है ना कल फनी भी जोन के बाहर जाके डैमेज लेके मर जाएगा, हम चिकन दे देंगे अपनी पब्लिक को और ये लोग खुश हो जाएंगे। बस इनकी खुशी से बढ़ के क्या, ये मना कर रहे थे कि नहीं हम लोग मर जाते हैं, बट नहीं ऐसे मज़ा नहीं आता, और चिकन दे देते हम लोग अपनी पब्लिक को। उसके बाद गाइस हम लगाएंगे टीडीएम, और टीडीएम ये वाला बड़ा फनी जाने वाला है। और फिर हम काली चड्डी पहन के नीली कमीज पहन के अपना पिछवाड़ा ज़मीन पे घिसते हुए आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ से एक बंदा ना बार बार दूर से मार रहा था, बंदे ये बैठा था, एक बार इसको मारा लाइक ये इसके पीछे कैंपिंग करके बैठ रहा था और बंदे मार रहा था हमारे। हमने कहा अच्छा बेचारा दोबारा आएगा गाइस, देखना ये शॉट मिस हुआ और मैं दोबारा से उसी के पीछे जाऊँगा, मुझे आइडिया हो गया था कि वो आएगा उधर ही बैठेगा, क्योंकि जो कैंपर्स होते हैं ना वो अपनी एक ही जगह रखते हैं। और बेचारे ने मेरा साउंड लिया, आया कान के नीचे लगाया, ओहो एक शॉट लगी, दोबारा प्रोन होके भैया को यहाँ पे हमने फिनिश ही कर दिया। और चिट्टा दोबारा आ रहा है गाइस, चिट्टा दोबारा आया, चिट्टा बेचारा दोबारा चला गया। फिर हमने पिछवाड़ा घिसा अपनी काली पेंट नीली कमीज ज़मीन पे घिसते हुए, पिछवाड़ा ज़मीन पे घिसते हुए और चार के ही कर लिए थे हमने। और फिर हमने एक और हेड शॉट लगाया अपने भाई को, फिर नेट निकाला, नेट फेंका गाइस, नेट का डैमेज आई गेस कम होता है, मैंने ऐसे नोटिस किया टीडीएम में नेट का डैमेज कम होता है। फिर हमारे चिट्टे भैया आए और वापस से चले गए, और फिर ये भैया आए ये भी वापस से चले गए, और ये भी शॉट में मिस किया। ओ आई ये भाग लाइक गाइस, आपके पास रीलोड वगैरह कुछ हो जाए ना तो ये टीडीएम का मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है मोड भाग जाने वाला। तो मैं कार एंटीडी यूज़ कर रहा था पूरी गेम में। यहाँ पे हमने फिर से तीन किल निकाले गए, चार की स्ट्रेक दोबारा हो चुकी थी हमारी। आई ये सर जी, और लीड हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, दोबारा से मैंने कान एंटीड शॉट लगाया। हमारी लीड अब लाइक कितने की है ये, 20 की लीड की है गाइस। लॉल अपनी अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मैथ भी कमज़ोर है गाइस, और यहाँ हमारा कबाड़ा होने वाला है। ओ भैया पिछवाड़े पे गोली मार दी, हम धूप लगा रहे थे पिछवाड़े पे, और फिर यहाँ हमें मिलेगा विक्टोरी। ओके गाइस साथ में बोलना मेरे ऐसी ऐसी अजीब आवाज़ में, ओके 1 2 3 विक्टोरी। लॉल देख लो हमने क्या अजीब अजीब आवाज़ें निकाली। तो गाइस आज दूसरा रोज़ा था और उम्मीद करता हूँ आज आपको रोज़ा ना लगे और रोज़े में आपका थोड़ा सा टाइम हमारी वीडियो देख के अच्छे से गुजरा हो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, मज़े की क्लिप्स अपलोड करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर, और खुदा ना खास्ता कुछ लाइक गड़बड़ हो जाए और या कोई अच्छी खबर हो बुरी खबर हो वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूँ, तो मतलब इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। प्लीज़ जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या आप सर्च कर सकते हो @theanonymousxd सब जोड़ के लिखना आ जाएगा। और बाकी कोशिश करना आप नमाज कायम करो, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक। इंशाल्लाह अगर गेम प्ले बना तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना, लव यू दिल से, लव यू एनोनिमस की पब्लिक। और गाइस मुझे बॉट भैया शिकायत कर रहे थे हमारे बाबू भैया कि आप लोग उनको पैन से मारते हो, तो प्लीज़ मैं बॉट का वकील हूँ और मैं बॉट की तरफ से आपको कहना चाहता हूँ, वो आपका केडी बढ़ाता है और आपका केडी अच्छा रखता है, रैंक बढ़ाने में आपकी मदद करता है, तो प्लीज़ बॉट पर थोड़ा सा प्यार दिखाया करें, बॉट से प्यार किया करें और बॉट को पैन से मत मारा करें, मुक्को से मत मारा करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी गाइस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, लव यू एनोनिमस की पब्लिक।
अल्लाह हाफिज़।